निखत ज़रीन ने यूथ की वर्ल्ड चैंपियन जो रह चुकी हैं उनको हराया है। जी हां, ज्योति गुलिया को पराजित करके उन्होंने फाइनल में स्थान सुनिश्चित किया है महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में, जहां उनका मुकाबला एमसी मैरी कॉम से होगा। जी हां, एमसी मैरी कॉम ने दूसरे मुकाबले में पराजित किया रितु ग्रेवाल को। दोनों यूनानिमस डिसीजन रहे, लेकिन भारतीय टीम के जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं वो इससे मैरी कॉम की जीत से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहना ठीक होगा कि निखत ज़रीन और मैरी कॉम का बहुत ही बहुप्रतीक्षित मुकाबला है। बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग में हर कोई उम्मीद कर रहा था कि मैरी कॉम और निखत ज़रीन जो हैं आमने सामने होंगी लीग मुकाबले में भी, और उसके बाद सेमीफाइनल में भी दोनों टीमें आमने सामने थी। यानी एनी राइनोस का मुकाबला पंजाब के साथ हुआ था, लेकिन वहां भी इनका मुकाबला नहीं हो सका। लेकिन अब यहां पर ये मुकाबला होगा दिल्ली में शनिवार को, और पूरी दुनिया इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि जहां एक तरफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन जो हैं एक तरफ होंगी निखत ज़रीन, तो उनके सामने होंगी 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम। जी हाँ, ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने की उम्मीद है, और जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो एशियन चैंपियनशिप में भाग लेगा फरवरी में, जो कि चीन के शहर वुहान में आयोजित की जाने वाली है, और वो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा। और ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में किसकी लॉटरी खुलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मुकाबले हुए, जिसमें अगर हम 57 किलो की बात करें तो सोनिया लाथर, जिन्होंने पराजित किया था एल सरिता देवी को बिग बाउट लीग में, और उनका मुकाबला होगा साक्षी के साथ 57 किलोग्राम के महिलाओं के मुकाबले में। साक्षी ने मनीषा मान, जो कि एशियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं, उन्हें पराजित किया है। और वहीं अगर हम 60 किलोग्राम की बात करें तो सिमरनजीत कौर का मुकाबला एल सरिता देवी से होगा। एल सरिता देवी जो कि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रही हैं 2006 की, और उसके बाद भी उन्होंने कई खिताब जीते, कई पदक जीते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, और इस साल एशियन चैंपियनशिप में उनके नाम कांस्य पदक रहा, और वो सिमरनजीत कौर को एक बार हरा भी चुकी हैं ट्रायल में 2 मौक़ों पर। और यहाँ पर एल सरिता देवी से देखना है कि सिमरनजीत कौर उन पराजयों का हिसाब चुकता कर पाती हैं अथवा नहीं, क्योंकि सिमरनजीत कौर वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट रह चुकी हैं और उनका उम्दा प्रदर्शन था, अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। तो कुल मिलाकर शनिवार का दिन महिलाओं की मुक्केबाजी के नाम होगा, जहां ये तय होगा कि ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में कौन शिरकत करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें अगर बनी रहेंगी तो वो एमसी मैरी कॉम पर रहेंगी, क्योंकि उनकी बहुप्रतीक्षित या चिर प्रतीक्षित जो मुकाबला है, उनकी जो दावेदार है वो है निखत ज़रीन, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती हैं, जो खेल मंत्रालय से लेकर तमाम अलग अलग मंचों पर इस बात की मांग कर चुकी हैं कि उनका एमसी मैरी कॉम से मुकाबला होना चाहिए। ट्रायल में एमसी मैरी कॉम को छूट क्यों दी जाती है, लेकिन फेडरेशन ने जो तय किया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे अवसर मिलेगा ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में उतरने का, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्योंकि एमसी मैरी कॉम नहीं जीत पाई और वो कांस्य पदक से ही उन्हें संतोष करना पड़ा था, इस वजह से उन्हें उतरना पड़ा ट्रायल में, और जहां उन्होंने एक मुकाबला जीता, और अब निखत ज़रीन होंगी उनके सामने, जो जीतेगा वो जाएगा ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में चीन। अगर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, एमसी मैरी कॉम या निखत ज़रीन, अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।